दोस्तों स्वागत है आपका विराज वास्तुदा चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मून इन फर्स्ट हाउस। इससे पहले हमने सारे प्लैनेट्स के ऊपर बात की, जिसमें राहु के ऊपर सन इन ऑल हाउसेस, जुपिटर इन ऑल हाउसेस, मार्स इन ऑल हाउसेस, वो सारे प्लैनेट्स के ऊपर हमने वीडियोस बना दिए। आज हम बात करने वाले हैं मून इन फर्स्ट हाउस, उसके एस्ट्रोलॉजिकल क्या सिम्टम्स रहते हैं एंड वास्तु के क्या सिम्टम्स रहते हैं उसके ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक बार जरूर मेरी वेबसाइट virajvastula.com विजिट करें, यहाँ पर मेरे लाइव एडिशन देख सकते हैं, केस स्टडी भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो निकाल लीजिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो astroset.com, यहाँ पर आपकी कुंडली फ्री में बन जाएगी। तो यहाँ पर कुंडली निकालने के बाद आपको लग्न चार्ट है वो देखना है, नौ मंथ चार्ट है वो नहीं देखना है। तो आज हम बात करने वाले मून इन फर्स्ट हाउस, उसके एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स एंड वास्तु के सिम्टम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुंडली में, तो यहाँ पर मून है वो फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो मून है वो फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पर तीन नंबर लिखा है। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तीन नंबर लिखा है तो ये तो थर्ड हाउस है, तो फर्स्ट हाउस कैसे? दोस्तों ये लाइफ टाइम के लिए ये जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो हाउस है, वो फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ये तीन नंबर है वो है साइन, साइन मतलब राशि। तो ये तीन नंबर की राशि कौन सी है? तो मिथुन राशि। तो एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में मून है, यहाँ पर दूसरे घर में कर्क राशि है और चार नंबर लिखा है, तो दूसरे घर में कर्क राशि, ऐसे आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में ऐसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों जब भी मून है वो फर्स्ट हाउस में होगा तो पहले तो कुंडली में कहीं पर भी मंगल हो वो अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है, ये पहला सिम्टम है। अगर चाहे मंगल है वो फोर्थ हाउस में खराब भी क्यों ना हो, नीच का क्यों ना हो रहा हो, तो भी ये मंगल है वो अच्छा रिजल्ट देगा अगर मून है वो फर्स्ट हाउस में है तो, ये पहला सिम्टम है। तो वहाँ वो घर के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर मंगल है वो। उसके बाद मून अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये व्यक्ति की एजुकेशन है वो कभी खराब नहीं जाती, यानी वेस्ट नहीं जाती। ये लोगों को एजुकेशन जो भी ये लोग पढ़ते हैं तो वो इन लोगों को काम आ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं कुछ और बिजनेस कुछ और करते हैं, कई लोग पढ़ते हैं कुछ और जॉब में कुछ और जगह पर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और जॉब कर रहा है गवर्नमेंट में, कोई टीचिंग रिलेटेड जॉब है या तो कोई सचिव वाली रिलेटेड जॉब में जा रहा है या बैंकिंग रिलेटेड जॉब में जा रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। पर जब भी मून है वो फर्स्ट हाउस में होगा तो ये व्यक्ति है वो जो भी पढ़ते हैं तो वही उनका करियर होता है, वो लोगों को कुछ ना कुछ ये उनका पढ़ा हुआ चीज़ होती है वो काम आ जाती है। उसके बाद अगर मून है वो फर्स्ट हाउस में और उससे एकदम ऑपोजिट वाला हाउस, यानी ये इसको सेवंथ हाउस बोलते हैं, यहाँ से आप काउंट करके आएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर सेवंथ हाउस में यहाँ पर प्लेनेट आपको दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर प्लेनेट नहीं और ये एम्प्टी हाउस है, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो ये व्यक्ति को उनके ससुराल से प्रॉब्लम होगा, उनके ससुराल से बनेगी नहीं, उनके ससुराल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो इन लोगों को एक रेमेडी है, हमेशा इन लोगों को या तो दूध या तो वाटर पानी, वो इन लोगों को जब भी उनके घर में गेस्ट आता है तो उनको ऑफर करना चाहिए, हमेशा या तो पानी दो या तो दूध का आग्रह रखो उनको पिलाने के लिए। तो वो एकदम बढ़िया टेक्निक है, वो उन लोगों को ट्राई करनी चाहिए अगर सेवंथ हाउस उसका एकदम ऑपोजिट हाउस वो एम्प्टी है तो। तो ये तो हमने बात की एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स के ऊपर, तो अब हम बात करते हैं वास्तु के सिम्टम्स के ऊपर। जब भी मून है वो फर्स्ट हाउस में होगा तो ये वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन है। तो मैंने जब भी बताया कि जब भी वास्तु करते हैं तो सेंटर पॉइंट से करते हैं घर के, तो फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और ये घर का सेंटर पॉइंट, यहाँ से सेंटर पॉइंट मैंने निकाला। फॉर एग्जांपल आपका ये घर है तो उसकी हाइट निकाल लेनी है, हाइट है 10 एंड विथ है 10, तो उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? तो इसका 5 ये और इसका 5 ये, तो ये वाला सेंटर पॉइंट आएगा। आपको सेंटर पॉइंट घर का निकाल लेना है, उसके बाद आपको वहाँ पर जाकर डायरेक्शन निकाल लेनी है, कंपास रखना है और डायरेक्शन निकाल लेनी है। तो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है एंड ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब मून है वो कहाँ पर है? तो पहले भाव में ईस्ट डायरेक्शन, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मून रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। मून रिलेटेड चीज़ें क्या होती है? तो मून रिलेटेड यानी वाइट कलर होता है, फिर मून रिलेटेड मदर होती है तो मदर का वहाँ पर रूम मिल सकता है, मून यानी वाटर होता है तो वहाँ पर ओवरहेड या अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, तो ऐसी सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। मून यानी हॉर्सेस होते हैं तो कई लोग हॉर्स की पिक्चर रखते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में लगाई हुई होती है, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है। फिर रैबिट है तो रैबिट की फ़ोटो भी आपको वहाँ पर मिल सकती है,
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको उसको बोलते हैं, उसके कारक तत्व तो बोलते हैं, वो आपको अगर चाहिए तो मेरे पास पूरी PDF है, मैं आपको मेल कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा कि आई वॉन्ट दैट PDF ऑफ कारक तत्व ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ऐसा लिख दीजिएगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ आपको मेल कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो ये सारी टेक्निक्स आपको आपकी कुंडली के ऊपर लगानी है और वास्तु के ऊपर लगानी है, और मुझे बताना है कि ये टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप ऐसे 20 चार्ट्स उठाइए जिसमें मून है वो फर्स्ट हाउस में हो, और ये टेक्निक है वो उन कुंडलियों में लगाइए और मुझे बताइए कि ये टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो आज के लिए इतना। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक बार जरूर मेरी वेबसाइट है वो विजिट करिएगा, यहाँ पर मेरे लाइव प्रेडिक्शन देख सकते हैं एंड केस स्टडी भी देख सकते हैं। थैंक यू, यहाँ पर से भी आप सीख सकते हैं केस स्टडी देख कर कि मैंने कैसे प्रेडिक्शन निकाला। थैंक यू।